सर, आई थिंक आपकी टीम ठीक से समझ नहीं पाई है। आप अगर एक बार खुद डिटेल में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं कह रहे हैं आप, पर अगर एक बार दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो। सर, आई थिंक दिस इज व्हाट विल वर्क बट फॉर यू। ठीक है सर, मैं रिवाइज करके भेजता हूं। थैंक्स। वी, व्हाट इज दिस वी? तुम क्लाइंट का गुस्सा खुद पर क्यों उतार रहे हो? तो और क्या करूं मैं काव्या, क्या करूं बताओ। मालविका ने मुझे एक महीने की मोहलत दी थी और वो टाइम अब खत्म होने वाला है। एक कॉन्ट्रैक्ट में हासिल नहीं कर पाया हूं अभी तक। हैप्पी न्यू ईयर मनाया। अरे हैप्पी न्यू ईयर नहीं, मेरे यादों की बारात अप्रैल फूल बनाया। आई नो, मैंने रिमेम्बर से अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। कच 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 का। You guys are good, huh? Really good. Anu, एक काम करो, get them straight in line यार, इन दोनों बच्चों को ना थोड़ी डांट लगाओ यार। मैं नहीं, क्यों डांटूं? मैं क्या डांटती हूँ? और क्या करती हो तुम? तुम डांटने में इतनी अच्छी हो, पता है? मुझे तो लगता है जी कि ये दुनिया में सबसे अच्छी डांट लगाने में। हा? एक ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास, तुम अपना ये डांसिंग स्कूल बंद करो, तुम डांटिंग स्कूल शुरू करो बाबूजी, है ना? इसमें करियर बनाओ, कितना अच्छा लगेगा कि मतलब माँ बाप आएंगे अपने बच्चों के साथ हर साइज के और आगे कहेंगे मैडम जी आप ना हमारे बच्चों को एक हफ्ते के लिए डांट दीजिए, दो हफ्ते के लिए डांट दीजिए, दो महीने का डांट का होमवर्क दे दीजिए। डांटिंग स्कूल, मुझे डांटने में अपना करियर बनाना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था, मतलब मैं जानती हूँ आपके हिसाब से मैं सबको डांटती हूँ। मैंने कभी किसी को डांटा है? मैंने आज तक कभी भी किसी को डांटा है? मैंने आपको डांटा है जो आप ये कह रहे हैं? लो कर लो बात, ये अभी क्या कर रही है जीके, अभी क्या कर रही है? डांट रही है ना, तुम डांट रही हो मुझे? मैं कभी किसी को डांटी? ये तो मैं बात कर रही हूँ आपसे, आपको बात भी नहीं समझ में आती? आप तो बिल्कुल शट अप हो जाइए कपड़िया जी। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। लिसन मिस जोशी, This is really getting out of bounds now, huh? मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मैं मुझे गुस्सा आ गया तो फिर। अच्छा, तो दिखाई नहीं, ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं, अरे नहीं, शायरी, ये शायरी निकालेगी मेरी, मैं इसके अंदर से इसका सारा भाषण निकाल दूं। मैं भाषण देती हूँ, मुझसे क्या पूछ रही हो? पीछे मुड़ के पूछो, ये भाषण देती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मेरी तरफ देखिए, ये देखिए, ये अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। विजय जी को गुस्सा आया। That's how we do it. सुबह सुबह नींद में से जगाने के लिए सॉरी, लेकिन सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा था इसलिए आए। बाबू जी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड, ये मुहूर्त किस चीज का? इस देश में सिर्फ दो एलिजिबल बैचलर है, एक सलमान खान और एक अनुज कबाड़िया, और उनमें से किसी एक का रिश्ता पक्का करने का मुहूर्त आ गया है। मम्मी भाई, मेरी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगना है। अच्छा, इज नाइस नो, वेरी गुड यार, मतलब मेरे को फिर से अप्रैल, मैं सुबह उठा हूं लेकिन अभी दोबारा नहीं सो, मैं दोबारा अप्रैल फूल नहीं बनने वाला। तू सच में फूल है, इडियट। क्यों? आप सीरियस हैं? हाँ, और तू गधा है। ये तो पहले ही कहा था इन्होंने। तो मैं अपनी बेटी की शादी गधे से नहीं करूंगा। चल चल, ये शादी कैंसल। अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं बाबूजी, अरे आप सुबह उठ के आए, तैयार होके मुहूर्त निकल जाएगा। देखिए, अच्छे काम के लिए आए, घर से चौखट से नहीं लौटते। आप शादी की डेट निकालें, डेट निकाल के जाएंगे ये लोग, डेट निकाल के जाएंगे आप लोग, हाँ डेट निकाल के। ऐसे जाके मुंह तो धो लें। हाँ, मैं अभी गया, मैं अभी वापस, डेट निकाल के जाएंगे ये लोग, डेट निकाल के, हाँ डेट निकाल के। एक मिनट, कहाँ गए? तो मालविका की कंपनी दुनिया में इकलौती कंपनी है क्या?
अगर मालविका की कंपनी में काम नहीं हो रहा है तो कहीं और ट्राई करो ना भी। एंड ऑनेस्टली तुम यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है, ना दोस्ती ना ट्रस्ट। और मालविका तो अब अनुज की बात मानने भी लगी है और सुनने भी लगी है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि अनुज इस पार्टनरशिप के खिलाफ था सिंस डे वन। वो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने देने वाला है भी। तुम मरहम लगाने आई हो या मेरे जख्म को लेने आई हो? मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ भी, जो तुम देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। बस यही आता है तुम्हें, दुनिया भर का गुस्सा अपनी बीवी पर ही उतारो तुम। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बनराज शायद बैक। बस बातों के शेर हो तुम भी। अनुज को जीरो बना के खुद हीरो बनने चले थे ना तुम, लेकिन क्या हुआ, वो तो जीरो से हीरो बन गया, लेकिन तुम अभी भी वही जीरो के जीरो ही बन के रह गए। अरे मुझ पर चिल्लाने से सच्चाई कोई बदल नहीं जाएगी भी, कि अपनी फेलियर के जिम्मेदार ना तुम खुद ही हो। किस्मत ने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुम उसका फायदा ही नहीं उठा पाए, इसीलिए जहां से शुरुआत की थी ना तुम घुमा फिरा के वापस वहीं आ गए हो भी। अगर कोई सेंसिबल इंसान होता ना तो वो अपनी मिस्टेक से कुछ सीखता, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतना एटीट्यूड है, कॉमन सेंस की भी जगह नहीं बचती है। और किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर भी? ना काम है, ना पैसा है, ना इज्जत है। कुछ सोचा है तुमने आगे क्या करोगे? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे लाइक काव्या? मैं ना तो इतना बेशरम हूं और ना ही इतना लाचार। मेरे पास मेरा दिमाग, मेरा हौसला, मेरा टैलेंट अभी भी है, तो मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर और अपनी सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं दिखाई दे रही है ना, तो जाओ जाके किसी और को ढूंढो, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस कहानी का असली हीरो मैं था और मैं ही रहूंगा। तुम्हें अपने इस बबल में जीना है तो जियो, मैं इन सर्कमस्टेंसेस में नहीं जी सकती।